ठीक है भाई लोग, तो बीजीएमआई इज बैक। बीजीएमआई वापस आ चुका है, हाँ भारत के अंदर तो वापस आ चुका है, लेकिन अपने चैनल पे वापस आ चुका है, गेम हार्टबीट पे बीजीएमआई वापस आ चुका है। और भाई लोग, पिछली वाली वीडियो में मैंने पूछा था कि तुम्हें बीजीएमआई की कोई वीडियो देखनी है क्या, भाई पूरा कमेंट सेक्शन बीजीएमआई से भर गया। तो लाइन तो थी वीडियो, है ना, लेकिन ये छोटी सी वीडियो होने वाली है अरीना मैच की, और ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो, है ना, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद खेला तो मेरे पे इतने अच्छे से नहीं खेला गया। तो क्या हुआ कि मैं अपनी स्किल्स तो भूल गया, इतने इतने दिन में मोबाइल पे भाई हाथ भी नहीं बैठा था, लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं भूला वो है टैक्टिक्स, है ना, कि हम मतलब आज टैक्टिकली खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं भाई कि सीधा सामने से जाके धप धप बजा देंगे, नहीं ऐसे नहीं, जैसे भी हम भाई कवर में हैं, ठीक है, तो भाई बच के रहेंगे और बंदों को मौका देंगे आने का, और फिर जब उनमें जाके बजाएंगे, समझे हो, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ। देखो भाई यहाँ पे मुझे फुट स्टेप आ गए थोड़े से, मैं गया भाई बजा दिया, ठीक है, अब वापस ऊपर जाके देखते हैं भाई कोई है तो नहीं, ठीक है, वहीं से अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं वापस से। और भाई यहाँ पे ये वो दिख गया एक भाई, बंदों में पीछे से जा के बजाने का मजा ये लगा, और ये टैक्टिकली ही किया जा सकता है, सामने से जाके बजाने जितनी भी स्किल्स नहीं बची अब, ठीक है भाई, पीसी पे खेलता हूँ यार, वो WSD अलग है, ये फ़ोन के कंट्रोल्स अलग है, थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, लेकिन ये है कि ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे कि टैक्टिकली खेल सकते हैं। यार मेरी पीक जो है ना वो पता नहीं भाई गायब होगी, मुझे वापस से एनेबल करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो मैं पीक करके जब मारा था, अभी क्या कहते हैं पीक कर नहीं सकता था, तो मैंने भाई ऐसे कर दिया, उधर से एक बंदा आया था उसने पेल दिया दूसरे वाले ने, और मैं यहीं रहता हूँ भाई, ये आगे जाने जितने जाने दो इन्हें, ठीक है, ये क्या कहते हैं जाकर भाई मरवे भी जाते हैं, और लेकिन मैं भाई बचा लूँगा। और ये पीछे से आया भाई, इसने पेल दिया क्योंकि इसने मुझे पहले देख लेता है ना, तो जो टैक्टिकली खेलने में होता है भाई, जो पहले देख लो वही पेल जाता है, फिर से जाके वही स्पॉट पकड़ते हैं अपना। भाई वॉइस ओवर भी बाद में कर रहा हूँ, ठीक है, जिस टाइम खेल रहा था उस टाइम वॉइस ओवर नहीं करा मैंने, और क्योंकि भाई मैं फ़ोन का जो सेटअप है वो भी ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रीम वगैरह कर सकूँ, कुछ वीडियो बना सकूँ, ठीक है, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे, उतने चेंजेस करने का टाइम था नहीं हफ्ते के अंदर, तो भाई मैं वीडियो भी एक तो सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक क्या कहते हैं भाई इसे पेल दिया शायद हमने, है ना, तो जैसे कि मैं कहता था कि भाई एक तो मैं वीडियो भी सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसे थोड़ी सी लेट भी हो जाएगी वीडियो, और दूसरी बात यह है कि भाई नहीं था इतने चेंजेस करने का टाइम, है ना। और यहाँ पे ये एक आ गया, इसे मैंने भाई आने दिया आगे, मुझे पता था ये आने मतलब यहाँ आ रहा है, मैंने आने दिया क्योंकि भाई हम यहाँ डूब के बैठे हैं, इसे पता नहीं लगा, जैसे जब तक हमें देखेगा तब तक हम इसे पेल के निकल लेंगे, है ना। और भाई ये मैंने इसे दूर से ही मारने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस फायरिंग के कारण मुझे थोड़ी सी लग गई, तो मैं सोचा चलो भाई कवर ही ले लो, मैंने इसे तो अच्छा ही है ना, वही भाग गया भाई मार मूर के, लेकिन भाई इसने साइड से आकर मार दिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मुझे पता नहीं था साइड से भाई ये घुस के मार देगा, कोई नहीं भाई वापस रिस्पॉन। और यहाँ पे मुझे एक दो गोली लग भी गई, लेकिन कोई टेंशन नहीं है मैं, क्योंकि इनविजिबल था। खैर अभी क्या कहते हैं इन्हें आगे आने देते हैं, और ये यार भाई आगे रगड़ा मार के आगे आया, लेकिन भाई इसकी पीट हो गई मेरी साइड से रगड़ा मारने की वजह से, इसे लगा कि भाई ये रगड़ा मार के आएगा मैं इसे एकदम से पेल नहीं पाने का, लेकिन ये चीज़ भूल गया कि इसकी कवर होगी भाई पीछे से, और ये भाई इसे मुझे पहले देख लेता यार, ये मैं उधर बिजी था इसने पेल दिया, ये क्या कहते हैं भाई यहाँ अपने स्पॉन लोकेशन पर घुस गया, लेकिन ये भाई सबसे बड़ी गलती होती है बंदों की कि दूसरे वाले बेस की स्पॉन लोकेशन पर घुसना, ठीक है, कारण बताऊँ क्या है, ये भाई जब स्पॉन होते होते हैं ना तो कुछ 3-4-5 सेकंड की इनविंसिबिलिटी होती है, अगर तुम दूसरे वाले कैंप की स्पॉन लोकेशन पर पहुँच गए, सिंपल सादी बात है भाई, वो तुम्हें पेल देंगे, अगर थोड़े से मतलब ठीक ठाक है तुम्हारी बराबरी के पेल देंगे वो तुम्हें, तो स्पॉन लोकेशन पर घुसना कोई फायदा नहीं है, थोड़े से दूर है उनकी इनविंसिबिलिटी खत्म होने, तो जब मारो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी भाई ये आया और इसे भी पेल डाला, भाई जितनी भी खिलते हैं सारी टैक्टिकली है, यहाँ डुबका बैठा हूँ मैं, ठीक है, आने दो भाई सामने वाले को आने दो, मुझे नहीं जाने की जरूरत है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ साइड से, जैसे कोई आपके पास साइड से ना के मार दो, यहाँ पे साइड में दूसरा बंदा होल्ड करके बैठा है, तो मुझे इतनी अभी जरूरत नहीं लग रही, उधर से भाई बहुत गोली चल रही है इन लोगों की आपस में, लेकिन क्या मुझे उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होल्ड करके बैठा है तो मुझे क्या दिक्कत है ना, जब अगर ये मर मर आ गया तो क्या कहते हैं फिर मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक बार इधर देख रहा हूँ एक बार उधर देख रहा हूँ कि अगर वो ना मर जाए तो इससे मुझे जाना पड़ेगा, कि वहाँ से फिर एकदम बंदा उसे मार के आगे आएगा, है ना, और इधर भी देखना पड़ेगा कि ये वाली जगह तो है ही मेरे पास उससे, और मैंने दूसरे बंदे को सामने जाते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी जाके हेल्प कर दूँ, है ना, इधर भी एक बंदा आगे तक भाग के आ गया था, और मैं इतने यहाँ पर आगे हेल्प करने गया भाई पीछे से ग्रेनेड आके पड़ा, मैंने सोचा भाई देखते हैं क्या है, और यहाँ से पीछे से आके फेल दिया एक ने, वो भाई जोर जोर से बंदा आके जाके भागा चला गया, जाके मरमरा गया होगा, ठीक है, और मैंने सोचा कि वो संभाल लेगा भाई, जब इतने जोर से ऐसा भागा हुआ गया तो संभाल लेगा, ये गड़बड़ हो गई, नहीं तो भाई अभी तक मैं था नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, हमने दोनों ने यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रखी है, एक बंदा उसके साथ में है तो दो बंदे वहाँ पे हो गए, और पोजीशन मैंने यहाँ पे होल्ड कर रखी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसे पेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि सब ये लगता था कि मैं वहाँ हूँ, तो इसे लगा कि मैं इतनी दूर एम नहीं कर पाने का, मैं इतने आगे पहुँच गया, ठीक है, पेलने के लिए, लेकिन भाई साइड में वो वाली जगह है, इसलिए मैं जल्दी से वापस
आ गया, थोड़ी बहुत गोली गोली चला गया एक दो को पेल पाल के, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे तो क्या है उसने होल्ड कर रखा है लेकिन वहाँ पे किसी ने होल्ड नहीं कर रखा, तो अगर किसी को पता लग गया ना तो भाई वो आ जाएंगे यहाँ से। और भाई ऐसे करते करते हम जीत चुके हैं मैच, मैच ख़त्म। MVP तो कोई दूसरा बंदा बनाया, लेकिन मैं तीसरे नंबर पे हूँ बेसिकली 11 किल्स के साथ। और आज वाली वीडियो में इतना ही मजा आया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना एकदम बेहतरीन करके। और भाई अगले हफ्ते से, अगले सैटरडे से वीडियोस आएंगी कंटिन्यूसली लगातार, GTA 5 एक्सपेंडेड एंड NH की बहुत बेहतरीन स्टोरी है। तो अगर तुम्हें भाई जरा सा इंटरेस्ट है GTA वगैरह में तो भाई देखना जरूर, मजा आ जाएगा। अभी तक जितनी वीडियो आई है GTA 5 एक्सपेंडेड एनालिसिस की वो भी देखो एक बार चैनल पे जाके। और भाई आगे तो और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। GTA 5 एक्सपेंडेड एनालिसिस हर सैटरडे को जरूर देखना, हर हफ्ते। और मिलते हैं बस GTA 5 एक्सपेंडेड एनालिसिस में अगले हफ्ते।